आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। देश में इन दिनों गेहूं की खरीद चल रही है, लेकिन किसान आंदोलन की धुरी रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की चर्चा कुछ कम है। किसान इस बार गेहूं पर एमएसपी का नाम तक नहीं ले रहे हैं। गेहूं के किसानों के लिए ये मौका करीब दो दशक बाद आया है। ये मौका है कि गेहूं के बढ़े दाम का। वहीं दरअसल गेहूं के बाजार में इस साल बड़े उलटफेर भी हुए हैं। दुनिया भर के देशों में गेहूं का निर्यात करने वाले बड़े देश रूस और यूक्रेन आपस में ही उलझ रहे हैं। वहीं इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें चढ़ गई हैं। इस स्थिति से चाहे दुनिया के अन्य देश भले ही परेशान हो, पर भारत के किसान खुश हैं। तभी तो देश के अधिकतर राज्यों में गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी से ऊपर बिक रहा है। गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने से पहले गेहूं किसानों को एमएसपी से ज़्यादा भाव मिलता था। एमएसपी से अधिक दाम मिलने की वजह से इस साल सरकारी खरीद का लक्ष्य तय होना मुश्किल लग रहा है। सरकार ने इस साल रिकॉर्ड 444 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया है। 1 अप्रैल से ज़्यादातर राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों में गेहूं की खरीद 15 जून 2022 तक चलेगी। मौजूदा रबी विपणन वर्ष में 17 अप्रैल तक केंद्र की गेहूं खरीद 32% घटकर 69.24 लाख टन रह गई है। एक साल पहले इसी अवधि में ये आंकड़ा 102 लाख टन का था। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही। और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।